अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करनी है। बहुत सारे भाइयों बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें शीर खुरमा बनाने का तरीका बताएं, हमने आपकी रेसिपी से ईद पे मीठा बनाना है। तो ये मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि आप मेरी रेसिपीज़ पर एतबार करते हैं, उनको ट्राई भी करते हैं, उनसे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। रमज़ान हमारा बड़ा अच्छा गुजर रहा है, रमज़ान में भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ आई हैं, उनको भी आपने पसंद किया है। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे। अगर आप शीर खुरमा के लुगवी मानी को ही देखें तो इसका मतलब होता है दूध और खजूरें, मतलब गर्म दूध के अंदर छुहारे पके हों। जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह पे दूध बिकता है तो उसके अंदर छुहारे पकाए जाते हैं, तो उसके अंदर एक ख़ास जायका आता है, वही जायका शीर खुरमा की पहचान है असल में। तो दो बेसिक चीज़ें, दो अज्जा में पता चला कि इसके अंदर दूध इस्तेमाल होगा और खजूरें इस्तेमाल होंगी। खजूरों की जगह पे हम छुहारे इस्तेमाल करते हैं, और छुहारे आपने इस्तेमाल करने के लिए रात भर इनको भिगो के रखना है। मैंने दो छुहारे लिए थे जिनको बारीक इस तरह स्लाइसेस में काट दिया, और दो छुहारे मैंने साबुत रखे हैं, उनके अंदर से गुठली निकाल दी है ताकि हमें पता चल जाए कि अंदर से ये गले तो नहीं है या सुंडी वगैरह तो नहीं है इनमें। मैंने इनको कोई आधा घंटा पहले भिगोया है, आप सारी रात भी भिगो सकते हैं, उससे फिर ये बहुत नरम हो जाते हैं और दूध के अंदर इनका ज़्यादा अच्छा जायका आता है। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ दूध है। 2 लीटर दूध हमें चाहिए, खालस दूध लेना है, भैंस का दूध मिले सबसे अच्छा है, वरना खालस कोई भी दूध आपको मिल जाए या ना मिले तो डब्बे वाला आपने दूध ले लेना है, उससे भी आपका बेहतरीन शीर खुरमा बन जाएगा। दूध और छुहारों के अलावा इसमें अहम जुज़ होता है सेवैयाँ, वर्मसिली। तो हम सेवैयों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये थोड़ी इस्तेमाल करनी है, इनकी क्वांटिटी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। दूध, सेवैयाँ, छुहारे और जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी तो सही कंसिस्टेंसी के साथ शीर खुरमा बनेगा, वरना ये या तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जब इसको आप ठंडा करेंगे तो वो खीर की तरह जम जाएगा। शीर खुरमा पकाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये ईद के लिए आप बना रहे हैं तो इस रेसिपी को थोड़ा सा ख़ास होना चाहिए, बिल्कुल सादा नहीं होना चाहिए। ख़ास इस लिहाज से कि जायका थोड़ा सा इसका पेचीदा करते हैं, ज़्यादा क्रीमी, ज़्यादा बेहतरीन करते हैं। वो कैसे होगा, इधर देखें। इस दूध में से आपने 1.5 कप दूध लेना है और इसको एक बर्तन में जिसमें शीर खुरमा आपने पकाना है उसी में शामिल कर लेना है। इस दूध को ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप सूखा दूध जो नीडो होता है वो शामिल करेंगे। ये मिल्क सॉलिड्स होती हैं, इनको जब हम अच्छी तरह पकाते हैं तो इनका जायका बहुत अच्छा आता है और पूरी रेसिपी के अंदर आपको वो क्रीमी फीलिंग आएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह इस दूध में मिक्स करना है। अब इसमें आपने 3/4 कप चीनी शामिल करनी है, 1 कप से कम है, मतलब 1 कप के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से ये चीनी है, ये शामिल करेंगे। बर्तन के नीचे आग जला के आपने इसको हिलाना है थोड़ी देर, ताकि ये चीनी इस दूध के मिक्सचर में हल हो जाए अच्छी तरह, इसका दाना ख़त्म हो जाए बिल्कुल। जब इसमें अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए तो आग आपने हल्की कर देनी है और हल्की आग पे इसको पकाना है, इतना कि ये गाढ़ा हो जाएगा। जब आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो इस तरह इस पर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप नीचे आग तेज़ रखेंगे ना तो ये ऊपर उबल के ऊपर आएगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर है ना। तो आपने आग धीमी रखनी है और धीमी आग पर इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये देखें, इस तरह इसको उबाल आएगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर है ना, उस शुगर को हम कुक कर रहे हैं, तो आपने आग इसके अंदर धीमी ही रखनी है ताकि इस तरह इसको उबाले ना है, बस ये हल्का हल्का पकता रहे। अब ये जो चीज़ यहाँ पे बनी है ये कंडेंस्ड मिल्क है। कंडेंस्ड मिल्क आप किसी भी रेसिपी में शामिल करें तो उसका जायका एक बड़ा रिच और क्रीमी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीनी पकी हुई होती है ना उसका एक ख़ास जायका होता है। 5 से 6 मिनट आप पका लें तो ये कंडेंस्ड मिल्क हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए कि स्पून के पीछे लग रहा है। अभी क्योंकि ये गर्म है इसलिए आपको गाढ़ा लग रहा है, जैसे ही ये ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो कंडेंस्ड मिल्क वाली कंसिस्टेंसी इसमें आ जाएगी, और उसका कलर भी देखें सेम उसी तरह का है। तो ये वही सेम चीज़ बन गई है और आपने घर में बना ली है। अब हमने ये करना है कि इसके अंदर बाकी का जो दूध है हमारे पास वो हमने शामिल कर देना है। हमने 1.5 कप डाला था, बाकी 2 लीटर में से जो बचा हुआ दूध है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इस रेसिपी में आपको खोया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने काम पहला स्टेप कर लिया है उससे ही इसके अंदर बहुत बेहतरीन जायका, अच्छा जायका, क्रीमी जायका आ जाएगा। तो अब इसको आपने अच्छी तरह पैंदे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चीनी थी कंडेंस्ड मिल्क में तो वो इसके अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व होनी चाहिए। दूध ठंडा डालेंगे तो वो थोड़ी सख्त हो जाएगी, बस आप उसको मिक्स कर लें, या जैसे जैसे दूध गर्म होगा वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें 4 अदद इलायचियाँ डाल देंगे, साबुत डालनी है, आप पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको खोल के बीज ना डालें,
बीज ये होता है कि फिर मुंह के अंदर आते हैं, बड़े जहर लगते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और ये जो भीगे हुए छुहारे थे, कटे हुए और साबुत, वो भी हम शामिल कर देंगे, क्योंकि असल जो चीज़ है इस दूध को छुहारों के साथ पकाना होता है। इसको अब थोड़ी तेज़ आँच पर पकाएं ताकि दूध ठंडा है, उसको एक उबाल आ जाए, फिर धीमी कर दें आग और धीमी आग पर इसको पकने दें। अब दूध तो हमारा तैयार हो गया है, मीठा उसमें चला गया है, जो हमने दूध के साथ करना था कर दिया। अब हमने जो हमारी सेवैयाँ हैं उनको रोस्ट करना है। अगर आप वैसे भी सेवैयाँ डालना चाहें तो मसला कोई नहीं है, लेकिन जो स्पेशल चीज़ है ना, थोड़ा अच्छा जायका आना चाहिए, उसके लिए हम सेवैयों को रोस्ट करके डालते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी और सेवैयों को भी। वो काम आपने देसी घी में करना है, बहुत अच्छा जायका आएगा। इस रेसिपी में क्वांटिटीज़ में सबसे अहम क्वांटिटी सेवैयों की है, ये ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी रेसिपी के अंदर मसला आता है। तो नापने का तरीका ये है कि आपने एक कप सेवैयाँ चाहिए, मैंने सेवैयाँ ली हैं और ये एक कप स्टैंडर्ड कप है। हम यहाँ से सेवैयाँ लेंगे और इस कप में इस तरह आपने अच्छी तरह दबा के भरनी है। ये देखें, ये तकरीबन एक कप सेवैयाँ हैं जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके नीचे आग जला के इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। इसको हल्का सा मेल्ट होने दें, बस ज़्यादा गर्म नहीं करें और आग भी नीचे धीमी रखें। इन सेवैयों को आपने यहाँ पे इस घी के अंदर रोस्ट करना है और घी थोड़ा ही डालना है, वरना ये घी शीरखुरमा में ऊपर नज़र आएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और खाते हुए भी होंठों के साथ लगता है, वो भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती। बस इनको आपने हिलाते हुए पकाना है यहाँ पे, क्योंकि ये जल जाएंगी। आग भी नीचे हल्की रखें, बस हल्का सा इन पर कलर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेवैयाँ जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। ये देखें, इन सेवैयों पर कलर आना शुरू हो गया है, तो आपने एहतियात करना है कि ये जले ना, और बस आहिस्ता आहिस्ता इनको इस तरह हिलाते हुए एक दो मिनट और पका लेंगे हम, और इन सेवैयों को हम यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ दूध में भी उबाल आ गया है, तो इसकी भी आग बिल्कुल हल्की कर लें अब, और इसको हल्की आंच पे 10-15 मिनट के लिए पकने दें। अब दोबारा से एक पैन लें, उसमें भी एक टेबल स्पून के बराबर घी डालें। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, 10 दाने पिस्ते के लिए हैं मैंने, 10 दाने काजू के, उनको काट लिया, 10 दाने बादाम के लेके उनको भिगो के रखा था, उनके छिलके उतार के उनको भी काट लिए। हल्की आंच पे इनको इतना रोस्ट करें कि ये क्रिस्पी से हो जाएंगे, हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा इन पे। अब ये ड्राई फ्रूट्स देखें, अच्छी तरह थोड़े थोड़े ब्राउन भी हो गए हैं और अच्छा कलर भी इन पे आ गया है, और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है इनकी, क्रिस्पी भी हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं, इनको हम इधर से निकाल लेंगे। दूध को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं, जितनी देर हमने सेवैयाँ रोस्ट किए हैं साथ साथ ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, उतनी देर तक ये दूध पक रहा है और थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये तकरीबन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा रिड्यूस हो गया है, 3 हिस्से बचा हुआ है। इसमें हम ये सेवैयाँ शामिल कर देंगे, पकी हुई सेवैयाँ, और जो घी इसके नीचे हो वो घी नहीं आपने डालना है इसमें। अब बस सेवैयों के पकने का वेट करना है, सेवैयाँ जल्दी पक जाती हैं क्योंकि उनको हमने रोस्ट किया हुआ है, बड़ी जल्दी दूध को एब्जॉर्ब करेंगी और इस दूध को और गाढ़ा और क्रीमी कर देंगी। मैं जिस घी की बात कर रहा था, ये ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स उसके नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन इतना सा अगर हो तो ये पकते पकते इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, ज़्यादा हो तो फिर वो ऊपर नज़र आता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो हमने शामिल कर देने हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स में सौगी है, ये 20 दाने सौगी के भी आपने इसमें शामिल कर लेने हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, सौगी शामिल करके 3-4 मिनट के लिए आप हल्की सी आंच, मैंने बिल्कुल धीमी आंच की हुई है इसके नीचे, तो उसी आंच पे हम इसको 3-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स आ रहे हैं, जिस तरह शुगर सिरप में बबल्स आते हैं ना, या जैसे स्टार्टिंग में कंडेंस्ड मिल्क में आ रहे थे, उस तरह के बबल्स आएँगे इसमें, तो तब आपको पता चल जाएगा कि यार ये हमारा दूध बिल्कुल तैयार है। शीर खुरमे को पकाते हुए जो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि वो या तो बहुत ज़्यादा पतला रह जाता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाए तो वो सेवैयाँ बन जाती हैं, दूध उनके अंदर नज़र नहीं आता। जो शीर खुरमे का मकसद है वो ख़त्म हो जाता है, हमें इसके अंदर थोड़ा दूध नज़र आना चाहिए, फिर अच्छा शीर खुरमा बनता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे, फिर वो पतली सेवैयाँ, मतलब वो सेवैयाँ भी नहीं होंगी, वो दूध भी नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग अलग है, वो चम्मच पे ही नहीं चढ़ता, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आग बंद कर दी है, शीर खुरमा तैयार है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ कैसी होनी चाहिए, ये देखें, ये इस तरह ये चलता हुआ दूध होना चाहिए और गाढ़ा इतना होना चाहिए कि चम्मच के ऊपर इस तरह ठहरे, ये देख रहे हैं, इस तरह एक पतली सी सॉस होती है, ये चीज़ होनी चाहिए। बस इसका आप ख्याल रखेंगे और क्वांटिटीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपका इस तरह शीर खुरमा बनेगा।
इसको हमने यहाँ से निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो उसके लिए मैं इसको एक बर्तन में शामिल कर रहा हूँ, ये देखिए। तो जी ये शीर खुरमा हमारा तैयार है, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे लेके आया हूँ अभी। बिल्कुल इसको हमने चिल नहीं किया, ठंडा नहीं किया, इसको गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए कटे हुए कुछ पिस्ते हैं मेरे पास, इनको आपने इस तरह इसके ऊपर लगाना है। आपने इसको बना के रात को फ्रिज में रख देना है ताकि सुबह तक ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में ना रखें। फ्रिज में रखेंगे तो इसकी जो ये गाढ़ापन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये रनी रहेगा और आप इसको सुबह सुबह फिर ईद के दिन इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको। मीठा मैंने इसमें दरमियाना रखा है, बहुत ज़्यादा मीठा कुछ लोग खाते हैं, लेकिन इसको मैंने कम मीठे के साथ बनाया है। आप बढ़ाना चाहें तो इसको चख के दूध के अंदर मीठा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये बेहतरीन शीर खुरमा तैयार है, ये देखें इस तरह होना चाहिए इसको, कि दूध इतना गाढ़ा हो कि आपको पतली सी खीर की फीलिंग आए। उसके अंदर सेवइयाँ होनी चाहिए नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और छुहारे होने चाहिए। इस शीर खुरमे की रेसिपी को बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को किसी और वेरिएशन से बनाते हैं, आपके घर में कोई स्पेशलिटी बनती है, तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। कोशिश करें कि शॉर्ट फॉर्म में रेसिपी भी लिख दें ताकि लोग अगर फॉलो करना चाहें तो उसको फॉलो कर सकें और ईद पे कुछ नया कुछ बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।